नमस्कार, पंजाब केसरी .com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। कांग्रेस ने राजस्थान में अपने पत्ते फेंटे हैं। तीन नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। ये तीन नेता है तेज तर्रार दिव्या मदेरणा, दानिश अबरार और धीरज गुर्जर। इस प्रमोशन के सियासी मायने हैं। दिव्या मदेरणा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की धुर विरोधी मानी जाती है तो धीरज गुर्जर प्रियंका गांधी के खास हैं। सवाई माधोपुर से पूर्व विधायक दानिश अबरार को दिल्ली का सह प्रभारी बनाया गया है तो दिव्या मदेरणा को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। दिव्या मदेरणा अपने तीखे तेवरों के लिए जानी जाती है और राजस्थान की राजनीति में उनका खूब दबदबा है। वहीं अब इन्हें एक नई जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से दी गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने का जिम्मा इन पर है। तो आखिर कौन है दिव्या मदेरणा, आइए जानते हैं। 25 अक्टूबर 1984 में जयपुर में जन्मी दिव्या मदेरणा के पिता महीपाल मदेरणा कांग्रेस पार्टी के नेता थे, जबकि दिव्या मदेरणा के दादा परसराम मदेरणा ने राजस्थान विधानसभा में कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवाएं दी है। इंग्लैंड के नॉटिंघम विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पढ़ाई करने वाली मदेरणा ने 26 वर्ष की आयु में जोधपुर के ओसिया में जिला परिषद चुनाव लड़ा था और सफलता हासिल की थी। 39 साल की दिव्या मदेरणा ने साल 2018 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर ओसिया से राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। हालांकि यह 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा के भेरा राम चौधरी से हार गई थी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जिम्मेदारी मिलने पर दिव्या मदेरणा ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद किया। उन्होंने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि आपने मुझे AICC सचिव और जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख का संयुक्त प्रभारी नियुक्त किया है। मेरे दादाजी श्री परसराम जी मदेरणा और पिता श्री महीपाल मदेरणा से मुझे संगठन के प्रति अटूट निष्ठा और सेवा भाव की विरासत दी है। उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए मैं इस दायित्व को पूरा तन्मयता कुशलता के साथ निभाऊंगी। साथ ही मैं पार्टी के सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कांग्रेस को और अधिक मजबूत करने के लिए अथक प्रयास करूंगी। आपके विश्वास के लिए पुनः हार्दिक धन्यवाद। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। राज्य में पहले चरण के मतदान के तहत 18 सितंबर को 24 सीटों पर चुनाव होगा, वहीं दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर को 26 सीटों पर, तो वहीं तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे और पता लगेगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने चुनाव से पहले गठबंधन किया है। कुल 90 विधानसभा सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों ने 2 सीटों में से एक CPIM और दूसरी पैंथर्स पार्टी के लिए छोड़ी है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी .com पर। नमस्कार।